गाइस सीजीएल 2022 के मेंस में एकमात्र क्वेश्चन मैथ का जो मेरा गलत हुआ था, आप सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए गगन सर की वीडियोज, उससे आपको पता चलेगा फिर मेरा डाउट है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि गगन सर इसका आंसर जरूर दें, और आप लोग चाहते हैं, आप लोग जानते हैं तो आप लोग ही बता दीजिए ताकि उन तक जरूरत ही ना पड़े मुझे उनकी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक बेलन का वॉल्यूम क्या है? बेलन की रेडियस 10 और हाइट 20 है, तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3.14 लेना है, 3.14 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं, 3.14 का है ना, आर स्क्वायर मेरे दोस्तों 100 हो जाएगा, और हाइट 20 बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, 6280, 314 का दुगुना 628। आसान सी बात, आगे क्वेश्चन को बैक जाइए और फिर से देखिए, और ये देखिए कि क्वेश्चन ऑप्शन से बन सकता था। सारे टीचर्स पढ़ाते हैं इंक्लूडिंग गगन सर के 11 का मल्टीपल चेक करिए। जब मैंने 11 का मल्टीपल चेक करा और सेम ऑप्शंस देखे तो चौथा ऑप्शन सही जा रहा था, 5280 वाला, क्योंकि 8 और 5 13 और में से 2 गए 11, 11 का मल्टीपल वो हो गया। अब यहाँ पे ये रूल क्यों नहीं लग रहा है मुझे पहले ये बताइए। सेकंड चीज, गगन सर ने पहले ही वहाँ पे पाई बराबर 3.14 लिख रखा है, कि इसके पीछे ये रीजन है कि वो खुद भी नहीं बता पाते कि 3.14 लगाना है वहाँ पे, इसलिए कि 2227 लगाना है, 2227 लगाते तो वो 100% 11 का मल्टीपल चेक करते, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे नहीं करा, 3.14 लगाया। सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है कि 11 का मल्टीपल यहाँ पे क्यों नहीं चेक कर रहे हैं हम? या तो पूरी बात क्लियर करके बताया करें कि 11 का मल्टीपल इस कंडीशन में लगेगा, इस कंडीशन में नहीं लगेगा, वहाँ पे तो मैंने भाई देखा ही नहीं, और जब क्योंकि पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं तो 5280 मैंने लगा के तुरंत छोड़ दिया था, और जो गलत हुआ था एज यूजुअल। नाराज की कुछ नहीं है, बस जानना चाहता हूँ कि क्यों है।